MP3 बटालियन में निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारियों का परंपरागत तरीके से हुआ स्वागत। रीवा की NCC बटालियन काफी पुरानी है, यहाँ पर कैडेट को ट्रेनिंग कैसे चल रही है, नए सत्र में NCC को किस तरीके से इम्प्रूव करके चलाना है, इस बात पर गहन विचार विमर्श करने के लिए बाहर से अधिकारी आए हुए हैं। हम आपको बता दें, रीवा से काफ़ी लोग सेना में जाते हैं, उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाती है रीवा की NCC। इन्हीं सारी बातों की जाँच करने, रीवा में उपलब्ध टीम को दिशा निर्देश करने बाहर से अधिकारी से हमने बात की। इस दौरान अधिकारी का NCC कैडेट्स ने परंपरागत तरीके से स्वागत भी किया। का ट्रेनिंग कैसे चल रहा है, नया सत्र शुरू हुआ है, उस नए सत्र में कैसे इनका इनरोलमेंट करना है, जो पुराने कैडेट्स इनरोल हो रखे हैं उनकी आगे की रणनीति कैसे बनानी है, अगले एक साल या दो साल इनके जैसे जैसे इनका साल बचा हुआ है उनको कैसे ट्रेनिंग की जाए। और रीवा का इलाका जैसे आपको मालूम है, यहाँ से बहुत से लोग फौज के अंदर भर्ती होते हैं, यहाँ से बहुत से लोग थल सेना कैंप में जाते हैं, बहुत से लोग RDC कैंप में जाते हैं। कैसे कैडेट्स का एक प्रशिक्षण दिया जाए, कैसे चयन किया जाए ताकि वो यहाँ से निकल करके दिल्ली के अंदर एक अच्छा प्रदर्शन कर सकें, इस अच्छे प्रदर्शन के बाद अपने बी और सी सर्टिफिकेट में अच्छा प्रदर्शन करें और भविष्य में इनको इस सर्टिफिकेट दौरान इस सर्टिफिकेट की मदद से इनको एक अच्छी नौकरी और इनका एक अच्छा उज्जवल भविष्य बने, इसके बारे में आज एक डिस्कशन करें।